बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। दिल्ली में कई बूथों पर ईवीएम मशीन खराब, नाराज मतदाता लौट घर। दिल्ली में कई बूथों पर ईवीएम मशीन खराब, नाराज मतदाता लौटे घर। आम चुनाव के तहत दिल्ली की 7 और NCR की 3 सीटों में वोटिंग जारी है। इस बीच कई जगहों पर ईवीएम मशीनों के खराब होने की शिकायतें मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली के साथ फिलहाल गुरुग्राम के कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 3 जगहों पर मशीन खराब हुई है, जिससे लोगों को परेशानी हुई। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 9 स्थित DC मॉडल स्कूल में बूथ नंबर 151 और 154 में मशीन खराब होने की वजह से अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बूथ संख्या 40 पर ईवीएम मशीन खराब होने के चलते लाइन में लगे लोग वापस घर लौट गए। सोनिया विहार स्थित तीसरे पुश्ते पर स्थित बूथ नंबर 56 और यमुना पब्लिक स्कूल में मशीन में खराबी के कारण 7:40 के बाद वोटिंग शुरू हुई। मॉडल टाउन के बी ब्लॉक गुजरन वाला टाउन के पोलिंग स्टेशन के ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर है। चांदनी चौक के बल्ली मारन विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र नंबर 84, 114 और 144 पर ईवीएम काम नहीं कर रही है। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में भी ईवीएम में खराबी की बात सामने आई है। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में भी ईवीएम को लेकर शिकायतें सामने आ रही। यहां पोलिंग बूथ 113, 114 पर ईवीएम में खराबी आई है। प्रियंका ने PM मोदी पर कसा तंज, कहा 50 घंटे भी तपस्या की होती तो ना फैलाते इतनी नफरत। देश में 7 राज्यों की 59 सीटों के लिए रविवार को लोकसभा चुनाव 2019 का 6 चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ मोदी स्टेट स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची। वोट डालकर बाहर आने के बाद प्रियंका ने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने देश के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यही बात ध्यान में रखकर मैंने वोट किया है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नजर आई। उन्होंने कहा इस बार BJP स्पष्ट रूप से हार रही है। प्रियंका गांधी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बारे में प्रतिक्रिया ली गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि खान मार्केट क्लब और अभिजात्य वर्ग के बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उनकी ये छवि तपस्या से बनी है, बिगड़ नहीं सकती। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में BJP प्रत्याशी बाबुल सुप्रीमो पर हमला। BJP सांसद और आसनसोल से उम्मीदवार बाबुल सुप्रीमो पर रविवार को कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बाबुल बसीरहाट में BJP के उम्मीदवार सांतन बाबू के कैंपेन में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। सुप्रीमो ने बताया कि इस दौरान वे रास्ते में चाय पीने रुके तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी व फोटो लेने लगे। कुछ ही देर में अन्य लोग वहाँ पर आए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान जब बाबुल के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे उनसे भिड़ गए और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान बाबुल के साथ भी धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। बाबुल ने बताया कि जिन्होंने उन पर हमले का प्रयास किया वह TMC के कार्यकर्ता थे। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।